कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी मुठभेड़ में भारतीय सेना के दो अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी की शहादत का बदला लेने के लिए सेना ने पिछले चार दिन से ऑपरेशन चला रखा है। कश्मीर में अलग अलग जगहों खासकर एलओसी के पास के इलाकों में सेना आतंकियों के खात्मे में जुटी है। अनंतनाग का बदला लेने के लिए आतंकियों के गढ़ में घुसी सेना के ऑपरेशन में पहाड़, जंगल और मौसम लगातार बाधा बन रहे हैं, लेकिन जंगलों और पहाड़ों की आड़ में बिल में जाकर छिपे तीन आतंकियों के लिए शनिवार का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने आतंकियों के गढ़ में घुसकर उन्हें ढेर कर दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि ये मुठभेड़ बारामूला के उरी सेक्टर में एलओसी के पास हुई है। सेना की बटालियन चिनार कोर्प्स ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। चिनार कोर्प्स ने अपने ट्वीट में लिखा, भारतीय सेना जम्मू कश्मीर और खुफिया एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए एक जॉइंट ऑपरेशन में आज सुबह उरी सेक्टर बारामूला में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। यहां तीन आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिन्हें सतर्क सैनिकों ने घेर लिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने लगातार ट्वीट कर एनकाउंटर में भारतीय सुरक्षा बलों के हाथ लगी कामयाबी का अपडेट दिया। पुलिस ने एक एक कई ट्वीट के जरिए बताया कि कैसे सुरक्षा बलों ने एक एक कर तीन आतंकियों को ढेर कर दिया। थोड़ी ही देर बाद सेना की चिनार कॉर्प्स ने बताया कि आज सुबह पूरी सेक्टर में एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान आतंकियों से सामना हुआ और गोलीबारी शुरू हो गई। मुठभेड़ में तीन आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को इनके पास से दो एके राइफल्स, एक पिस्टल, सात हैंड ग्रेनेड, एक आईईडी और पाकिस्तानी करेंसी जैसे सामान बरामद किए गए। जॉइंट ऑपरेशन खत्म। बारामूला के अलावा अनंतनाग में भी आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग की पहाड़ियों पर छिपे आतंकियों पर सेना ने निर्णायक प्रहार किया है। जंगलों और पत्थरों को ढाल बनाकर जो आतंकी छिपे हैं उन पर ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर से बम बरसाए गए हैं। इसका एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आतंकियों के ठिकाने पर गोलीबारी होती दिख रही है। अब किसी भी समय सेना ऊपरी पहाड़ियों पर जाकर यहां छिपे दहशतगर्दों का खात्मा कर सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि अनंतनाग में पीर पंजाल के जंगलों में चल रही मुठभेड़ अब निर्णायक मोड़ पर है, जहां शनिवार सुबह से फिर एक्शन शुरू हो गया है। अभी तक सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। पहाड़ी की तलहटी से जवान लगातार ऊपर दुर्गम पहाड़ियों पर मोर्टार दाग रहे हैं। एक आतंकी भी ड्रोन तस्वीरों में भागते वक्त कैद हुआ। माना जा रहा है कि गडोले के इस जंगल में दो से तीन आतंकी छुपे हो सकते हैं। सेना के 10 स्पेशलाइज्ड दस्ते लगातार एक्शन में जुटे हैं। मौके पर भारी तादाद में सेना के जवान दिख रहे हैं। सेना को पूरा यकीन है कि आज ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और छिपे आतंकियों को ढेर कर दिया जाएगा। बता दें कि 2018 के बाद ये सबसे भीषण मुठभेड़ है, जिसमें सेना ने तीन अफसर खोए हैं। तीनों अफसरों की शहादत के बाद से ही सेना का आतंकियों पर एक्शन जारी है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।